हाथरस हादसे से जुड़ी एक बड़ी खबर के न्यायिक आयोग आज पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में बयान दर्ज करेगा। बयान दर्ज करने के बाद शासन को ये रिपोर्ट भेजी जाएगी। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, जहां पर आपको ये भी बता दें कि जांच आयोग घटनास्थल पर भी पहुंचा था और जल्द ही ये जांच रिपोर्ट शासन को भेज दी जाएगी। पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में बयान दर्ज किए जाएंगे। तो कल घटनास्थल पर पहुंचा था जांच आयोग। हाथरस हादसे से जुड़ी एक बड़ी खबर हम बता रहे हैं आपको, जहां पर न्यायिक आयोग बयान दर्ज करेगा और पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में ये बयान दर्ज किए जाएंगे। सुमित, इस पर ज्यादा जानकारी देंगे हमारे सहयोगी। सुमित, लगातार पूछताछ भी चल रही है, बयान भी लोगों के दर्ज कराए जा रहे हैं, अभी क्या लेटेस्ट अपडेट? देखिए, सबसे पहले आपको बता दूं, ये आज न्यायिक जांच आयोग जो आया था कल हाथरस में, पहले सबसे पहले उन्होंने घटनास्थल का निरीक्षण किया था, अधिकारियों से इस पूरे मामले में बातचीत की थी, उनके भी बयान दर्ज किए थे। आज एक जनरल आम लोगों को एक मैसेज दिया गया था कि जो भी अपनी तरफ से बयान दर्ज कराना चाहता है वो पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में सुबह 9 बजे से लेकर 1 बजे तक आ सकता है और अपने जो भी बताना चाहता है इस घटनाक्रम को लेके या जो भी प्रत्यक्षदर्शी है वो आकर वहां पर बयान दर्ज करा सकता है और जानकारी दे सकता है। इसी क्रम में न्यायिक जांच आयोग की कमेटी पूरी पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में बैठी हुई है और सुबह से कई लोग लगातार वहां अपने बयान दर्ज कराने के लिए या उस घटना से संबंधित जानकारी देने के लिए अंदर गए हैं और लगातार आते जा रहे हैं, पूरे मामले को लेकर जानकारी दे रहे हैं। वहीं 1 बजे के बाद जांच आयोग की कमेटी यहां से जाएगी, अधिकारियों से बात करेगी, उस पूरे घटनाक्रम को लेकर कुछ अहम सवाल भी कमेटी के जहन में है जिनको लेकर जिनका जवाब जानना चाहती है न्यायिक आयोग कमेटी, और उसके बाद फिर वो यहां से लखनऊ के लिए रवाना होंगे और वहां बताया जा रहा है कि एक प्राथमिक रिपोर्ट जो है उसको शासन को सौंप सकते हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया विस्तार से जानकारी के लिए सुमित। मेरठ में लव जिहाद का शिकार नाबालिग को पुलिस ने बागपत से बरामद किया है। साथ ही मामले में पुलिस ने 7 आरोपियों को जेल भेज दिया है। आपको बता दें, 1 तारीख को शिकायत दर्ज की गई थी और नाबालिग बिनौली थाने के जोहड़ी गांव से बरामद हुई है और पीड़िता की शादी राहुल नाम के एक शख्स से कराई गई थी। पीड़िता ने बताया कि इंस्टाग्राम के जरिए उसकी दोस्ती मेरठ के रहने वाले शाहिद से हुई और पीड़िता के मुताबिक शाहिद ने उसे घर से भाग कर मिलने के लिए बुलाया। जब प्रेमी से मिलने ऑटो से वो पहुंची तो प्रेमी ने उसका फायदा उठाया, फिर शादी से इनकार कर उसे छोड़ दिया। सड़क पर खड़ी पीड़िता को ऑटो चालक फुरकान अपने साथ ले गया, उसे सहारा देने के नाम पर दुष्कर्म किया गया। इसके बाद नाबालिग 2 अन्य युवकों के पास बेच दी गई और इसके बाद नाबालिग बागपत के एक परिवार के पास पहुंची जहां पर उसकी शादी करा दी गई। पुलिस ने शाहिद, नीरज, प्रदीप, राहुल और ऑटो चालक फुरकान और एक महिला को अरेस्ट किया है। ये थाना सरूरपुर के एक गांव से एक युवती 3 दिन पहले अपने घर से गायब हो गई थी, जिसमें अभियोग पंजीकृत किया गया और उसकी विवेचना की गई। विवेचना के दौरान पाया गया कि इसको 7 लोगों ने योजना बना करके अपहरण किया और इसके साथ दुष्कर्म भी किया, जिसमें युवती को बरामद किया गया और 7 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। बुलंदशहर पुलिस फुल एक्शन मोड में है। पुलिस ने रिटायर्ड फौजी चांद खां हत्याकांड के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि बदमाश का एक साथी फरार हो गया। गिरफ्त में आए बदमाश पर 25,000 का इनाम था। मुखबिर की सूचना पर पुलिस को यह कामयाबी मिली। आरोपी के कब्जे से एक बाइक, तमंचा, जिंदा कारतूस और खोखा बरामद किया गया है। कोतवाली नगर पुलिस द्वारा धमेड़ा अड्डा पर चेकिंग करी जा रही थी, तभी एक संदिग्ध काली हीरो पैशन आती हुई दिखाई दी। पुलिस द्वारा उसे रोकने का प्रयास किया गया, बाइक रुकी नहीं, भागने लगी। यह सूचना कोतवाली नगर की चेकिंग टीम द्वारा सेट पर प्रसारित करी गई। दूसरी टीम जो धमेड़ा गांव पर चेकिंग कर रही थी, उसके द्वारा दोबारा इस बाइक को रोकने का प्रयास किया गया। अपने द्वारा पुलिस को घिरा हुआ पाकर इस बाइक द्वारा में सवार 2 संदिग्ध व्यक्ति द्वारा पुलिस के ऊपर फायर किया गया। आत्मरक्षार्थ की फायर में एक संदिग्ध व्यक्ति घायल हुआ, दूसरा अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में कामयाब रहा। मऊ में पुलिस और एसओजी की टीम ने 3 छात्र लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इनके कब्जे से एक पिस्टल समेत लूट का मोबाइल, एक बैग और 40,000 कैश बरामद किया। पुलिस को मुखबिर की सूचना पर यह कामयाबी मिली है। भैरवपुर मंदिर के पास से छात्रों को गिरफ्तार कर लिया गया है।
थाना मधुबन के नंदौर से देसी शराब के सेल्समैन से हुई लूट के मामले में पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 174/2024। गिरफ्तारी हो चलाए गए अभियान के क्रम में करीब 4:45 बजे प्रातः भैरवपुर पुलिया के पास पुलिस मुठभेड़ में 7 अपराधी ब्रजेश कुमार उर्फ प्रिंस बांसपुर पुत्र रोहित बांसपुर निवासी मानिकपुर असना थाना घोसी जनपद मऊ के कब्जे से 1 पिस्टल व 2 खोखा 1 जिंदा कारतूस और 1 लूट की मोबाइल फोन 20,000 रुपये बरामद किया गया। और अगली खबर अंबेडकर नगर से, जहां पर शातिरों ने एक बाइक पर हाथ साफ कर लिया। बाइक की चोरी की घटना आसपास लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है कि शातिर पहले तो बाइक के आसपास घूमता रहा, इसके बाद मौका मिलते ही हाथ साफ कर लिया। अकबरपुर कोतवाली के V2 शॉपिंग मॉल का ये मामला बताया गया। और अगली खबर ललितपुर से, जहां पर रुपयों के लेन देन के विवाद में जीजा ने अपने साले को तमंचे से गोली मार दी, जिसके चलते शख्स की हालत गंभीर है, लिहाजा उसे झांसी रेफर कर दिया गया। घटना थाना बानपुर क्षेत्र के दैलवाला भरौनी गांव की है। जीजा ने साले को गोली मारी है, ललितपुर की यह खबर है, जहां पर रुपयों के लेन देन के चक्कर में बताया जा रहा है कि विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि फायरिंग की गई। थाना बानपुर क्षेत्र में ये घटना हुई है। तो ये 5 तस्वीरें आप देख सकते हैं।